गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा पाठ कर रहे थे? हिंदी में हम कर रहे थे पाठ दस जन्मदिन। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। क्या करेंगे आज हम कुछ इस पाठ के कठिन शब्द? तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट वर्ड इज जन्मदिन। ज आधा न म, जन्म। ज आधा न म, ज आधा न म, जन्म। अगर आप पूरा न लिखेंगे तो ये जन्म बन जाएगा, जन्म। दे न, जन्म दिन। ज आधा न म, जन्म। दि न दिन, जन्म दिन। अगला शब्द है र वि वा र, रवि वार। रविवार, मतलब रविवार का क्या मतलब होता है? रविवार का मतलब होता है संडे। रविवार, रविवार। अगला शब्द है धूम, धूम। धूम, धूम। धाम, धाम। धूम, धाम। धूम, धाम। नेक्स्ट वर्ड इज गुप। गुब्बा, गुब्बा नहीं बोला है, गुब्बा। रो गु आधा ब बा, गुब्बा रो, गुब्बारो। नेक्स्ट वर्ड इज झ डी, झंडी। झंडी, यो, झंडी, यो, झंडियों। झंडी, यो, झंडियों। अवश्य, अ व आधा श य, अवश्य। अगर आप पूरा श लिखेंगे तो ये बन जाएगा अवश्य। अवश्य नहीं लिखना है, अवश्य। नेक्स्ट वर्ड इज एक,
आधा ट ठी इकट्ठी इक इकट्ठी आधा ट पूरा ट लिखेंगे तो ये बन जाएगा इकट्ठी इकट्ठी। आपको इकट्ठी नहीं लिखना है, इकट्ठी ट का बहुत ही हल्का सा साउंड होगा इकट्ठी। अगला शब्द है मित्रो। मित्रो मित्रो मतलब दोस्त। मित्रो मित्रो भेलपूरी भ एल भेल भ एल भेल पऊ पूरी भेल पूरी। या टिकिया टिकिया टिकिया। पको 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 नहीं पको पको। रे पकोड़े। नेक्स्ट इज हलवे 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 हलवे। नेक्स्ट इज सौम्या 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 नहीं बोला है सौम्या। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है सौम्या सो आधम या सौम्या। क्या र म कैरम बो र ड बोर्ड। र का साउंड पहले आ रहा है लेकिन ये रेफ वाला र है इसीलिए इसका साउंड भले ही पहले आए लेकिन ये मात्रा अगले शब्द के साथ ही लगेगी कैरम बोर्ड। नेक्स्ट इज पुस्तिका पुह आधा स तिका पुस्तिका पुस्तिका नहीं है पुस्तिका और त से पहले आधा है वर्ड यहां पर संयुक्त अक्षर है इसलिए हम उसे भी अपने साथ ले लेंगे। पुस्तिका मतलब पतली किताब। अगला शब्द है क वि ता ए कविताएं कविताएं। अगला शब्द है धन्य
वाद ध आधन य धन्य वाद धन्यवाद मतलब थैंक यू। हमारा आखिरी शब्द है मजेदार। मजेदार मजेदार दार मजेदार। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सारे कठिन शब्द अपनी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं और बहुत सुंदर आपका वर्क होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।